हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास सिक्स साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो था अलग अलग तरह से सर्किट्स को फॉर्म करना सीखा था कि किस तरह से सेल लगा के और बल्ब लगा के हम सर्किट फॉर्म कर सकते हैं, और हमने देखा था कि अलग अलग सिचुएशंस में कई बार बल्ब ग्लो हो रहा था और कई बार नहीं हो रहा था, तो हमने वो भी देखा था कि क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक और एक्टिविटी के थ्रू हम इलेक्ट्रिक सर्किट को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्टिविटी 3, टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर। आपको टॉर्च में लगने वाला बल्ब लेना है और एक पीस ऑफ वायर, एक वायर का टुकड़ा, ठीक है। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर्स, और जो प्लास्टिक कवरिंग है उसकी उसको दोनों एंड से हटा देना है। रैप वन एंड ऑफ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे ये एक एंड है इसको इस तरह से रैप कर देना है नीचे की तरफ, है ना। एंड फिक्स द अदर एंड, उसको कहाँ लगा देना है, अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ये बल्ब में लगाना है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल में लगाना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, इलेक्ट्रिक सेल को रबर बैंड से इस तरह से अटैच कर देना है ताकि ये निकले नहीं इसमें से। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब एंड डैट इज़ द अदर टर्मिनल इन द कॉन्टैक्ट विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, डज द बल्ब ग्लो। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। अब देखो आपको क्या करना है, इसके बाद ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ बल्ब, बल्ब के टिप को कहाँ लेके आना है, दूसरे टर्मिनल पे, है ना, अदर टर्मिनल इन द कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल, उसके कॉन्टैक्ट में लेके आना है आपको, ठीक है, इस तरह से लेके आना है ना। अब बल्ब को वहाँ से हटा देना है, क्या फिर भी बल्ब ग्लो हो रहा है, है ना। तो ये क्या होगा, ये किस तरह से सिमिलर हो गया, आप जब टॉर्च को स्विच ऑन या ऑफ करते हैं, है ना, जब आप ऑफ करते हैं तो टॉर्च बुझ जाता है और जब ऑन करते हैं तो टॉर्च जलने लगता है, तो ये उसी तरह से हो गया, जब आपने उसको टच किया तो बल्ब ग्लो कर गया, ठीक है। तब हम नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक स्विच पे आ रहे हैं। देखिए अगर स्विच नहीं होगा तो सर्किट ब्रेक नहीं होगा, और ब्रेक नहीं होगा तो कोई भी चीज़ कंटिन्यू ग्लो होती रहेगी, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी काफ़ी उसका नुकसान होगा, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होगा, तो इसलिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच का होना बहुत ही ज़रूरी है। तब हम इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में देखेंगे। वी हैड अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ अवर होम मेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। हमने क्या स्विचिंग ऑन एंड ऑफ की थी, अपने जो होममेड टॉर्च थी, है ना, उसको बल्ब के बेस को सेल के टिप से पास या दूर ले जाके। दिस वाज अ सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज़। ये एक सिंपल स्विच था बट ये आसान था क्या यूज़ करना, नहीं, हम नॉर्मली इस तरह के स्विच का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वी कैन मेक अनादर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज़ इन अवर सर्किट। हम एक और दूसरे तरह का सिंपल सर्किट में यूज़ करने के लिए स्विच बनाते हैं। तो देखिए अब आप ये इसको कैसे बना सकते हैं। नाउ यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग टू ड्राॅइंग पिन्स। आप दो ड्राॅइंग पिन का यूज़ करके बना सकते हैं। एक सेफ्टी पिन लीजिए या पेपर क्लिप, कुछ भी, दो वायर्स होना है और थोड़ी ये शीट ऑफ थर्माकोल या वुडन बोर्ड होना है, ठीक है ना, ये सब सामान आपको चाहिए। इंसर्ट अ ड्राइंग पिन इन टू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन इट ऑन द थर्माकोल शीट एज शोन इन फिगर। अब देखो क्या करना है, एक जो ड्राइंग आपकी सेफ्टी पिन थी उसको बीच में जो पीछे होल होता है उसमें से जो ड्राइंग पिन थी उसको इंसर्ट करते हुए थर्माकोल में से इस तरफ लगा दी और दूसरे तरफ भी इस तरफ से लगा दी। मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली, बट इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी सेफ्टी पिन है वो आसानी से इधर उधर मूव कर सके। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्माकोल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। अब आपको दूसरी जो ड्राइंग पिन है वो इस तरह से लगानी है कि ये जो पिन है सेफ्टी पिन, ये इसको टच कर पाए जब हम कराना चाहें। पता लगा आप ज़्यादा दूर कर दो तो ये इसको टच ही ना कर पाए, है ना, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसको इस तरह से करनी है। द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी द स्विच इन दिस एक्टिविटी। अब देखो सेफ्टी पिन जो है वो कैसी हो गई, एज ए स्विच, जब हम इसको इस सर्किट से टच करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा, जब हम इसको हटा देंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और बल्ब बुझ जाएगा। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर
12.9, ये देखिए इस तरह से बना लिया। रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री हैंड टचेज द अदर ड्रॉइंग पिन। अब देखो इसके रोटेट करके आपको अदर ड्रॉइंग पिन से टच करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? नाउ मूव द सेफ्टी पिन्स सेफ्टी पिन अवे, डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो। अब आपको फिर से क्या करनी है, सेफ्टी पिन को दूर ले जाना है। तो क्या बल्ब फिर भी ग्लो कर रहा है? द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्रॉइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम। इन दिस पोजिशन स्विच इज सेट टू बी ऑन। जब ये इन दोनों को इस तरह से कवर कर लेता है, ये इस तरह से टच हो जाता है, तो ये स्विच जो है वो ऑन पोजिशन में है। और जब हम दूर हटा देते हैं, है ना, ये वाली पोजीशन में, तो स्विच जो है वो ऑफ पोजीशन में आ जाता है। तो जब स्विच ऑन पोजीशन में रहता है तब बल्ब जो है वो ग्लो करता है, और जब स्विच ऑफ पोजीशन में रहता है तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में गैप आ जाता है और उस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है ये मैंने अभी आपको बताया, आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।